पाड़ा चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के 72वें साल पे जन्म दिवस पे हमने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक एक पखवाड़े के रूप में मनाया और ये सेवा के कार्य हैं। आज जिस तरह से वोकल फॉर लोकल का आगाज हुआ है और हम जहाँ पर भी हमारे जो अपने लोकल लोग हैं, जो अपने लोग हैं, जो अपनी चीज़ें बनाते हैं, उसका उसको उभारने के लिए, उसको कहीं ना कहीं अपने सेवाएं जो देते हैं उनको कहीं ना कहीं आगे लाने के लिए आज प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में जो DDC की हमारी मेंबर हैं शिल्पा दुबे जी, वो हमारे साथ हैं। उन्होंने इसका आयोजन बहुत अच्छे से किया है। मुझे लगता है इसके अंदर जिस तरह से बहनें जो हैं, बहुत सारी बहनें जो जुड़कर जो है यहाँ पर डोगरी खाना भी बनाती हैं और डोगरी पैकेट्स भी जो हैं, तो छोटे छोटे जो पैकेट्स हैं जो आम जीवन के अंदर उपयोग होते हैं उसको भी उपयोग जो है वो करते हैं। मुख्य तौर पर इसमें सम्मिलित होने के लिए हमारे सीनियर नेता चंद्रप्रकाश गंगा जी हमारे बीच में हैं और हमारे केशव जी जो यहाँ के चेयरपर्सन हैं वो भी हमारे बीच में हैं। मुख्य तौर पर जो ज़िला के अध्यक्ष हैं अमर सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और हम सबका नेतृत्व बनता है कि हम वोकल फॉर लोकल को जो है इनकरेज करें, उनको मार्केट दें। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमेशा आगाज़ करते हैं कि अगर हिंदुस्तान को अगर अपने वापस उसी रूप में, उसी स्वरूप में आना है जो कहीं 150 साल 200 साल पहले था, तो आज ये ज़रूरत है कि हम अपने जो कारीगर, अपने जो लोकल लोग हैं, जो वो चीज़ें बनाते हैं, जो वो सामान बनाते हैं, जहाँ भी बनाते हैं, उसको कहीं ना कहीं मार्केट में लाएँ और उनको मार्केट मिले। और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत ही अच्छा नेतृत्व दिया है। जिस तरह से जेम पोर्टल में आप कहीं भी, किसी भी प्रदेश में, कहीं भी जगह पे बैठे हो, अगर अपने सामान को जेम पोर्टल पे डालते हो तो शायद आपका सामान उठाने वाला कहीं आंध्र प्रदेश से हो सकता है, कहीं कर्नाटका से हो सकता है। तो एक ओपन मार्केट जो है जेम पोर्टल के माध्यम से मिली है। मुझे लगता है कि इसी तरह से और ख़ासकर ये जो उम्मीद जो एक ऐसी स्कीम चलाई जा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं गुजरात में रही हूँ और गुजरात में मैंने देखा था किस तरह से पापड़ और वड़िया लेकर महिलाएं घर घर जाती थी। आज उनके अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, वो हर जगह जो हैं, आज उनका सामान जो हर डिपार्टमेंटल स्टोर पे मिलता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर जिस तरह से हमारी यहाँ की उम्मीद की बहनें भी जो हैं, जिस तरह से ये सामान बनाती हैं, जिस तरह से ये खाना बनाती हैं, और मुझे लगता है कि शादी ब्याहों में भी अगर किसी के घर में कुछ छोटी मोटी एक समारोह भी है किसी बच्चे का, तो ये इनको कहीं ना कहीं इनको आगे लेकर आना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सुंदर एक ऐसा इलाका है, पंचायत है, जहाँ पर ये पूरा का पूरा सामान जो है यहाँ पे रोज़ की रोज़ जो है बनता भी है और यहाँ पर बिकता भी है। शायद कम लोगों को पता है लेकिन सांबा के साथ जैसे ही आप 17 माइल्स क्रॉस करो, इसके साथ बहुत सुंदर हार्ट टाइप का बना है। मुझे लगता है हर व्यक्ति को यहाँ पर आकर अपना समय भी देना चाहिए और मुझे लगता है अपने जीवन शैली के अंदर इन चीज़ों को उपयोग में भी लाना चाहिए, तभी हम अपने हिंदुस्तान को, अपने देश को कहीं ना कहीं प्रगति के रास्ते पर ला सकेंगे और खुद सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे।
हैं 17 सितंबर को हमारे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्म उत्सव मनाया गया, जो हमें 2 अक्टूबर तक चलता रहेगा ये पखवाड़ा के रूप में। यहाँ पे आज का दिन हमें वोकल फॉर लोकल के लिए दिया गया, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर की जो गृहणियाँ हैं वो समाज में कुछ ऐसा काम करें जो कि लोग बाहर की चीज़ें मेड इन चाइना ना खरीदते हुए मेड इन इंडिया और मेड इन सांबा ही खरीदें, क्योंकि हमारी सांबा में बहुत कला है, बहुत कला के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पे लोग टोकरियाँ बनाते हैं, यहाँ के अचार, यहाँ के मसाले, यहाँ के घड़े, यहाँ के दिए बहुत काम आने वाले हैं। अगर हम लोग प्लास्टिक यूज़ करेंगे तो उसका लास्ट में कोई उपयोग नहीं होता है, वो धरती को भी नुकसान है और हवा वायु को भी नुकसान पहुँचाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हम लोग यूज़ करें जो यूज़ ना होने के बाद भी कोई धरती को नुकसान ना पहुंचाए, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। और ये जो हमने आज आपको सबको बताया, यहाँ पे जो स्टॉल लगाए गए थे, ये जो लेडीज़ हैं ये घर पे खुद बनाती हैं और इनका यही मकसद है कि किसी ना किसी तरह से ये अर्निंग कर सकें।